मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं, क्रूसो ग्रोस फूड। क्रूसो बच्चों नाम है। आपको एक कहानी बताएं हम। ये जो कहानी है क्रूसो, ऐसा कहा जाता है कि ये सच्ची कहानी पर आधारित है, लेकिन टाइम इसमें फर्क है। कैसे? पहले हम आपको ये बता दें कि जो रॉबिन्सन क्रूसो था, जैसा कहानी में लिखा हुआ है, ये सी वॉयज पे जाता था, समुद्र यात्रा पे। इसको बहुत पसंद था समुद्र में यात्रा करना। एक दिन ये लोग एक आइलैंड पे गए। जब ये आइलैंड पर गया तो क्या हुआ, तरंगे उठी, तूफान आया, जो भी था, इसके जो बाकी लोग थे वो तो चले गए और एक टूटा हुआ शिप का टुकड़ा रह गया और उस आइलैंड पर ये अकेला रह गया। इसको उस आइलैंड से एक गन मिल गई, आइलैंड से नहीं, जो टूटा हुआ शिप का टुकड़ा था उससे गन मिल गई, वो इसने ले ली। एक फावड़ा था वो इसने ले लिया था और अकेला छूट गया था। इसको समझ में नहीं आता था क्या खाएं, कहाँ रहें, क्या करें। ठीक है, ये कहानी ऐसी है बच्चों। ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चा था स्लेरिक अलेक्जेंडर स्लेरिक। जब वो 19 ईयर्स का था तो वो एक सीमैन बनना चाहता था, तो वो घर से भाग गया और फिर उसने 4.5 साल 4.5 ईयर्स एक आइलैंड पर अकेले बिताए जहाँ वो रह गया था। इस कहानी में 28 ईयर्स है बढ़ा दिया गया है क्योंकि ये एक स्टोरी है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसने किस तरह कितनी परेशानियों को झेला। एक कुत्ता था आइलैंड पर जो इसके साथ ही साथ रहता था, पालने लगा उसको, जो खुद खाता था जंगल के पेड़ पौधे वो कुत्ते को भी खिलाता था। द मैन इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो आदमी है रॉबिन्सन क्रूसो, वॉज मरूनड ऑन अ लोनली आइलैंड फॉर 28 ईयर्स। एक आइलैंड के ऊपर जहाँ कोई भी नहीं था वहाँ वो 28 साल रहा, 28 ईयर्स जिंदगी बिता दी उसने। इनिशियली फॉर अ फ्यू ईयर्स ही वॉज ऑल अलोन, शुरू में वो बिल्कुल अकेला था। एंड हैड टू फाइंड वे टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, और सोचता था मैं अपने को जिंदा कैसे रखूँ, क्या खाऊँ। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट, इस स्टोरी को पढ़ो। क्रूसो डिसाइडेड टू लिव ऑन विद कॉन्फिडेंस, और देखो कि कैसे वो इतने विश्वास के साथ रहता था। कपड़े भी फट गए थे उसके। मैनी से कुछ लोग कहते हैं रॉबिन्सन क्रूसो इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। द रियल रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अ स्कॉटमैन, ये स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। एक बच्चा, उसका नाम था अलेक्जेंडर सेलकिर्क। 19 ईयर्स का था, हमने आपको बताया, जब वो घर से भाग गया और ये जो था ये बनना चाहता था सीमैन। एक आइलैंड पर रहा ये, आइलैंड का नाम था जुआन फर्नांडीज, और वहाँ पर इसने 4.5 ईयर्स बिताए। अब देखो ये रॉबिन्सन क्रूसो अपनी कहानी खुद कह रहा है इसमें। आई हैड नाउ बीन इन दिस अनहैप्पी आइलैंड फॉर अबाउट 10 मंथ्स, 10 महीने हो गए उसको। वो कह रहा है कि मुझको 10 महीने हो गए इस आइलैंड पर रहते हुए। आई फर्मली बिलीव्ड, मुझे पूरा विश्वास था, नो ह्यूमन शेप हैड एवर सेट फुट अपॉन दिस प्लेस, कि किसी भी आदमी ने कभी यहाँ पर अपने पैर नहीं रखे हैं। हैविंग नाउ फाउंड अ प्लेस टू लिव, पता है इसने एक गुफा बनाई थी, गुफा ढूंढी थी, एक अपनी झोपड़ी बनाई थी रहने के लिए।
आई हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू एक्सप्लोर दैट आइलैंड. इसकी बड़ी इच्छा थी कि पूरे आइलैंड के बारे में पता करें. आई वेंट अप द क्रीक इन दिस पार्ट. वहाँ पर एक झरना मिला इसको. वो झरने के पास गया, फाउंड मेलन्स, तो नीचे इसने देखा खरबूजे हैं और वहाँ पर एक पेड़ है जहाँ अंगूर लगे हुए हैं. बड़ा खुश हुआ. द वाइन हैड स्प्रेड ओवर द ट्रीज. इसने देखा कि जो वो क्रीपर थी, बेल थी, ये ऊपर तक फैल गई थी और खूब सारे अंगूर लग गए थे, बहुत मीठे थे. तो इसको दिस वॉज अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी. इसको बहुत अच्छा लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर इतने फल हैं. आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ. आई डिसाइडेड टू क्योर एंड ड्राई द ग्रेप्स इन द सन, बेक देम एज रेजिन्स. इसने सोचा अंगूर ले लेते हैं और अंगूरों को सुखा देते हैं जिससे वो किशमिश बन जाएंगे, और जब फ्रूट्स नहीं होते, बहुत ठंड पड़ती है, तब हम इस किशमिश को खा के जिंदा रह सकते हैं. बाई अगस्त, अगस्त तक द ग्रेप्स आई हैड हंग अप हैड परफेक्टली ड्राइड. सारे जो अंगूर थे वो सूख गए थे. आई टुक देम डाउन फ्रॉम द ट्रीज. इसने पेड़ से उनको उतार दिया. आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था ये. आई डिड सो फॉर द रेजिन्स विच फॉलोड वुड हैव इंस्पायर्ड देम. ये मैंने किसके लिए किया था? किशमिश के लिए किया था, क्योंकि जो बरसात थी वो इन अंगूरों को नष्ट कर देती. एंड आई वुड हैव बीन लॉस्ट द, और क्या हुआ वही हुआ, बरसात आई और इसके सारे अंगूर जो थे वो नष्ट हो गए, किशमिश सब खत्म हो गई. अब बेचारा जो था, आई हैड अबाउट 200 लार्ज बंचेज ऑफ देम. अरे नहीं, सॉरी, ख़त्म नहीं. उसने सोचा अगर बरसात आएगी तो सारे नष्ट कर देगी, और कम से कम बड़े बड़े 200 ब्रांच थी जो इसने 200 ब्रांचेस सुखा ली थी. आई हैड सेव्ड द फ्यू ईयर्स ऑफ बार्ली. जौ, जौ होता है, मम्मी से पूछना, पूजा में यूज़ होता है. तो इसने क्या किया, इन्होंने बार्ली भी कुछ बचा लिया, कुछ राइस चावल बचा लिए. इसने अपने आप उगे हुए देखे. देखो बच्चों, कहाँ कहाँ चीज़ें ईश्वर भेज देता है. आई थॉट इट अ प्रॉपर टाइम. मैंने सोचा मैं इसके बीज जो है ना वो ज़मीन में बो दूँ, और आफ्टर द रेन्स जब बरसात आएगी तो ये फूलेंगे, और फिर मैं इनको, आई डग अप अ पीस ऑफ ग्राउंड. इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन का खोदा, इनके पास एक फावड़ा था, एज वेल एज आई कुड विद माई वुडन स्पेड. लकड़ी का बना हुआ फावड़ा था, जितना खोद पाए उतना खोदा, ज़मीन को दो भागों में बांट लिया. आई सोड माई ग्रेन. अब इन्होंने इसको बोया. जब ये बो रहे थे तब इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं पहले थोड़े बोता हूँ, देख लेता हूँ उगते हैं कि नहीं उगते हैं. और इन्होंने क्या किया, सारे नहीं डाले ज़मीन में, थोड़े धान और थोड़े चावल, थोड़े बार्ली, जौ और थोड़े चावल डाल दिए. और इन्होंने देखा टू थर्ड तो डाल दिया और 1/3 अपने पास रखा, लेकिन वो नहीं उगे. तो ये समझ गए कि अर्थ में मॉइस्चर नहीं है. फिर इन्होंने कहा कि अब जहाँ मॉइस्चर होगा, द ड्राई मंथ, सूखे महीने थे. नेक्स्ट टाइम, दूसरे टाइम इन्होंने क्या किया, थोड़ी ऐसी ज़मीन ढूंढी जहाँ पर मॉइस्चर था, और ग्राउंड का एक पीस जहाँ पर इन्होंने अपनी हट बनाई थी, और वहाँ पर इन्होंने सीड फरवरी के मंथ में बोए. अब वो रेनी मंथ था वहाँ, मार्च और अप्रैल का, तो जो बीज थे ना वो आराम से उग गए, और इनको बहुत अच्छा लगा. ये कहने लगे तो मैं तो बिजनेस का मास्टर हो गया हूँ अब. देखो बेटा, अकेले रह रहे थे लेकिन निराश नहीं थे. अब इन्होंने क्या किया, इनको पता चल गया कि कब इसको बोना है, खाने के लिए चाहिए था ना कुछ, इसीलिए इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ में इन्होंने क्या किया, दूसरी बार्ली और राइस की खेती की. द ग्राउंड आई हैड मैन्योर्ड एंड डग अप फॉर देम वॉज नॉट ग्रेट. ज़मीन तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन माई सीड ऑफ ईच वॉज नॉट
मेरे पास ज़्यादा बीज भी नहीं थे। आई हैड लॉस्ट वन होल क्रॉप, मैंने सूखे मौसम में पूरा सेट खो दिया था। माई क्रॉप प्रॉमिस, लेकिन जो अभी उन्होंने बोया खूब बढ़ी वो क्रॉप। लेकिन वहाँ इनके कुछ दुश्मन थे। कौन थे? चिड़ियाँ, पक्षी। पहले तो गोट्स एंड हेयर्स, खरगोश आए, बकरियाँ आई, फूड, उनको ये बड़े अच्छे लगे, मीठे मीठे, तो उन्होंने क्या किया, दिन रात आकर के खाने लगे। और अब इनको लगा कि तो खा जाते हैं सारे, क्या करें। अब इनको लगा, इन्होंने चारों तरफ झाड़ी बना दी अपने खेत के, है ना। और इनके पास जो बंदूक थी, एक दो बार इन्होंने बंदूक से निशाना भी साधा, लेकिन नहीं कुछ हो पाया, वो भागते नहीं थे। तो इनका जो कुत्ता था ना, इन्होंने कुत्ते को वहाँ बांध दिया। सारी रात कुत्ता भौंकता था, क्योंकि वो आते थे, फिर वो डर के मारे भाग जाते थे। उसके बाद चिड़िया आने लगी, बहुत परेशान हो गए कि चिड़िया खा जाती हैं सारा ऊपर से आकर के, अब ये क्या करें। तो इन्होंने लिटिल क्लाउड ऑफ फॉल्स विच आई हैड नॉट सीन अमंग द कॉर्न इटसेल्फ, उसके ऊपर बाल जैसे, बादल जैसे आ जाते हैं, है ना, इनके ऊपर आप कभी देखिएगा। इनको लगा कि ये क्या हो गया, ये बादल कैसे आ गए। और वो चिड़ियाँ तो सब खा जाती थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा अगर चिड़ियाँ खा जाएंगी तो मैं भूखा मर जाऊँगा, मैं क्या खाऊँगा। दिन रात बेचारे चिड़िया भगाते रहते थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा तो भागती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी बचा लिया अपना। और उसके बाद में इनके पास एक गन थी, तो कभी कभी इससे ये क्या करते थे, आई हंग माई स्केयर क्रोज। इन्होंने क्या किया, वो एक वो बनाते हैं ना खेतों में कौ, जो कि जब हवा चलती है तो हिलता है, जब चिड़िया वगैरह आती हैं तो ये उड़ जाती हैं, उसको स्केयर क्रो कहते हैं। वो इन्होंने बनाया जिससे कि वो जानवर यहाँ ना आ सकें। लेकिन आई कुड नेवर सी अ बर्ड, उसके बाद इन्होंने देखा कि वास्तव में चिड़ियाँ जो थी वो उड़ने लगी और इनका जो फसल थी वो अच्छी हो गई। आई गेस्ट, अब इन्होंने सोचा कि मेरे पास चावल कितना हो गया है। इनके पास 2 bushels ऑफ राइस, बुशल माने होते कट्टे जो बनाते हैं ना चावल के, मतलब उसको ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए बांधते हैं ना वो। और इन्होंने बार्ली, चावल, ये सब इन्होंने नेक्स्ट सीजन के लिए पहले तो क्लीन किए, इनको अपने आप आ गया क्लीन करना। रोटी बनाना आ गया, देखो मेक ब्रेड, उसकी रोटी बनाने लगे, कैसे पीसा होगा, भगवान क्या किया होगा, लेकिन इन्होंने अपने खाने के लिए ऐसा किया। अब इनके पास बहुत से सीड हो गए थे, बीज, उसको इन्होंने क्या किया, उसके जो बहुत से फ्लैट पीसेस, उसको ज़मीन पर बिछा दिए अपने घर के पास में, एक फेंसिंग लगा ली, और उसके बाद में आराम से रहने लगे। कितनी मेहनत की होगी अकेले आदमी। फिर इन्होंने क्या किया, इंक्रीज ऑफ कॉर्न, धीरे धीरे ये अपने कॉर्न को बढ़ाने लगे, खूब सारे चावल हो गए, एक साल में इनके पास खूब खाने को जमा हो गया। उसके बाद इन्होंने सीख लिया कि कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, हम जिंदा रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और खाने को भी ढूंढ सकते हैं। बच्चों कितनी अजीब बात है, जिस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता वहाँ ये बिल्कुल अकेले थे। इनके पास सिर्फ एक बंदूक थी, एक फावड़ा था, कपड़े भी नहीं थे, पीने का पानी भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने वहाँ झरना ढूंढ लिया। बच्चों ये आइलैंड है, अपने इधर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन विदेशों में बहुत होते हैं और लोग वहाँ पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं। लेकिन अगर अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि समुद्र में तूफान आ जाए, लहरें उठने लगे, तो इनके जो शिप हैं वो डूब जाते हैं और कभी कभी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आजकल तो सबके पास मोबाइल्स होते हैं, पहले तो फ़ोन भी नहीं होते थे, लैंड फोन्स होते थे,
तो वो तो साथ में नहीं ले जा सकते। अब कैसे करें, कैसे बताएं कि हम यहाँ पर इस उसमें हम वो हैं, बंधे हुए हैं, हम यहाँ पर हैं, ये बताने के लिए क्या करते थे, आग जलाते थे। कभी ऊपर से हवाई जहाज़ जा रहा है या दूर लोग जा रहे हैं अगर जहाज़ पर, तो ये क्या करते थे, ये आग जलाते थे। और उस बहुत से लोगों की बात कर रही हूँ, रॉबिन्सन क्रूसो की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ तो कोई आया ही नहीं। तो क्या करते थे, आग जलाते थे, और आग जलाने के बाद में जब उस आग को लोग देखते थे तो वो समझ जाते थे कि यहाँ पर कोई इंसान रह रहा है, और तब वो आकर के बचाते थे। ऐसा होता था बच्चों, अक्सर होता था, और उस समय लोगों को पता भी था कि ये आइलैंड पर कोई है, तो इस वजह से वो फंसा हुआ है। तो कल हम आपको इसका लिखाएंगे ग्लॉसरीज आप पहले लिखेंगे और फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। लेकिन उसके पहले आप एक काम करिए, एक तो लेसन को पढ़िए, और इसका जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। उसके लिखने से आपको बहुत से नए वर्ड्स पता चलेंगे। आपकी जो ये बुक है ना, इस मामले में बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें न्यू लेसन्स हैं और वर्ड्स भी न्यू हैं। अगर आप उनके मीनिंग लर्न कर देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी कुछ आ भी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा करिए कि उनके मीनिंग भी लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।